तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे द लिविंग लेजेंड ऑफ रैप नासिर जोन्स एके नास के बारे में। कहते हैं बिगी के डेथ के बाद नास के ही सिर पे ईस्ट कोस्ट का ताज था एंड जेजी एंड नास के बीच में काफी बड़ी जंग हुई थी इस टाइटल के लिए और डिस पे डिस निकाले थे दोनों ने और नास ने गेम ओवर कर दिया था ईथर सॉन्ग से। नास से टूपा की भी राइवलरी हुई थी कॉज नास ईस्ट कोस्ट से थे। लास्ट बार मैंने एक टॉप 5 डिस सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें अनफॉर्चुनेटली ईथर सॉन्ग मिस हो गया था, बट मैंने ऑनरेबल मेंशंस में नोट तो किया था बट संभव वो मिस हो गया था, सो सॉरी फॉर दैट। नास एक रैपर और रिकॉर्ड लेबल ओनर भी है। इनका ही रिकॉर्ड लेबल है मैस अपील, जी हाँ, जिसमें फिलहाल डिवाइन इक्का जैसे बड़े बड़े इंडियन आर्टिस्ट शामिल है और इंडिया में काफी सही चल रहा है ये लेबल। तो आज हम जानेंगे कि कैसे नास अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से इतने बड़े आर्टिस्ट और लेजेंड बने। नास काफी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है और इनके जैसा लिरिक्स कोई नहीं लिखता है, इवन एमिनम ने भी अपने गानों में नास को रेस्पेक्ट दिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेकर हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टूपाक, इजी, डीएमएक्स, शुग नाइट, वीज खलीफा सबकी बायोग्राफी हमने कवर किया है, उन सब वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अपना वीडियो जो है वो तीन सेक्शन में डिवाइड होगा, पहले तो नास की पूरी बायोग्राफी होगी, देन उसके बाद कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा और लास्ट में एक डोप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट दूंगा। इनका नाम है एनएम और इनका नया गाना आई फॉर एन आई निकल चुका है और चेक मारना और कमेंट करके बताना कैसा लगा और ये गाने की लिरिक्स एकदम नेक्स्ट लेवल है। सो अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम द लेजेंड नास की बायोग्राफी। नास, जिनका असली नाम है नासिर बिन उलुदारा जोन्स, इनका जन्म हुआ था सितंबर 14, 1973 न्यूयॉर्क सिटी में और उनके पिता एक जैज म्यूजिशियन थे और उनकी मॉम एक पोस्टल वर्कर थी। नास क्वींस ब्रिज के बड़े रफ नेबरहुड में पले बड़े थे, मींस जैसे वेस्ट कोस्ट में कॉम्पटन एक डेंजरस जगह है वैसे ही नास का हुड था ईस्ट कोस्ट में। जैसे कि नास के पिता एक म्यूजिशियन थे तो नास भी छोटी उम्र से ही ट्रम्पेट वगैरह बजाना चालू कर दिए थे और 9 साल की उम्र में ही वो पोएम्स वगैरह लिखने लग गए थे और काफी टैलेंटेड थे, नए नए स्टोरीज और कॉमिक्स वगैरह खुद से बनाते थे। उनके नेबर थे विली इलविल ग्राम, जिन्होंने नास को हिप हॉप से इंट्रोड्यूस करवाया उस टाइम पे, जो कि उन्होंने कुछ कैसेट्स प्ले किए थे रैप सॉन्ग्स के और तुरंत नास इससे कनेक्ट हो गए थे और उन्हें रैप में इंटरेस्ट आ गया था। नास को लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट था और वो काफी रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ते थे। 1985 में उनका पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और नास 9th ग्रेड में ही स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे और ज्यादातर टाइम वो स्ट्रीट्स में हैंग आउट करने लग गए थे और नास ने स्ट्रीट में काफी सारी चीजें सीखी और ड्रग्स से हमेशा से दूर रहे वो। और उनकी एक खास बात थी कि वो हमेशा नॉलेज इकट्ठा करते थे हर चीज के बारे में, चाहे वो स्ट्रीट्स हो, गैंग हो, या रिलीजियस बुक्स या डिक्शनरी हो, और उनकी यही नॉलेज उनके रैप लिरिक्स में आप देख सकते हो। और विली, जिन्होंने इनको वो रैप सॉन्ग्स वगैरह सुनाए थे, उनके साथ मिलके ये रैप वगैरह चालू कर दिए थे अपने टीनेज में ही, और विली इनके डीजे थे। नास ने पहले अपना स्टेज नेम किड वेव रखा था, देन आगे चल के नास्ती नास रखा और एट द एंड नास्ती ड्रॉप करके सिर्फ नास रखा था। लेट 1980s में वो प्रोड्यूसर लार्ज प्रोफेसर से मिले और इस तरह वो स्टूडियो वगैरह जाते थे उनके साथ, जहां राकिम, कूल जी रैप जैसे लेजेंड आर्टिस्ट गाना वगैरह रिकॉर्ड करते थे। जब राकिम और कूल जी रैप स्टूडियो में नहीं होते थे तो नास जाके रिकॉर्ड कर लेते थे कुछ कुछ वर्ड्स अपने और इस तरह उन्होंने प्रैक्टिस करी माइक पे स्पिट करने की और ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहा। नास को सीन में इंपैक्ट एक फीचरिंग से आया जो उन्होंने किया था 1991 में और वो गाने का नाम था लिव विद द बारबेक्यू, जो था हिप हॉप ग्रुप मेन सोर्स का गाना। और नास के जो 16 बार्स थे वो इतने अच्छे थे कि पूरे गाने में लोग वो 16 बार्स लाइंस याद करके गा रहे थे हर जगह। और इस तरह ईस्ट कोस्ट के अपकमिंग किंग नास का जन्म होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में। फिर एमसी सर्च ने नास को अप्रोच किया उनके मैनेजर बनने के लिए और 1992 में नास के लिए वो कोलंबिया रिकॉर्ड्स से डील फाइनल करते हैं। कोलंबिया रिकॉर्ड्स में साइन होने के बाद एक मूवी जेब्रा हेड में उनका गाना आया हाफ टाइम, जो कि काफी हिट साबित हुआ एंड और भी ऑडियंस सुनने लगी नास को और उनको हिप हॉप कम्युनिटी से काफी अप्रिसिएशन आ रहे थे उनके स्किल्स और राइमिंग वर्ड्स के लिए। 1994 में नास और उनकी फियांसे को बेटी हुई और अप्रैल 1994 में ही नास ने हिप हॉप म्यूजिक का वन ऑफ द लेजेंडरी एल्बम, जो कि आज भी टॉप एल्बम्स की लिस्ट में आता है, इलमैटिक, वो निकाला और ये सुपर हिट साबित हुआ और बिलबोर्ड पे टॉप 12 पे डेब्यू किया इस एल्बम ने। और इसमें काफी सही गाने थे जैसे कि द वर्ल्ड इज यूर्स और एनवाई स्टेट ऑफ माइंड। पब्लिक ने ऐसा कुछ पहले सुना नहीं था और ऐसे रैप स्किल्स काफी रेयर थे मेनस्ट्रीम में। उसके बाद उनके रिकॉर्ड लेबल कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने नास को एक कमर्शियल एल्बम के लिए प्रेशराइज किया और 1996 में इट वॉज रिटर्न एल्बम निकाला नास ने, जो कि हम कह सकते हैं कि नास की तरफ से एक कमर्शियल एल्बम अप्रोच था। इस एल्बम में पहली बार द फर्म नजर आए, जो नास का सुपर ग्रुप था एंड आगे चल के ये ग्रुप डॉक्टर के एफ्टरमैथ एंटरटेनमेंट से साइन हुए थे। और अपने सेकंड एल्बम से ही नास अपने सक्सेस के पीक पे पहुंच गए थे और इसी दौरान टूपाक से इनकी राइवलरी चालू हो गई थी और नास 2012 में एक इंटरव्यू में बताया कि क्या कंफ्यूजन हो गया था उन दोनों के बीच में। All these weak rappers, Nas, all these suckers, they battling off the east and west like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate three
years ago because we've been beat these. नास इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे उस टाइम पे। इवन वो रैप के अलावा 1998 में गैंगस्टर रैप ड्रामा सीरीज बेली में भी एक्ट किया था उनने डीएमएक्स के साथ, जो कि डायरेक्ट किया गया था हिप हॉप के काफी जाने माने डायरेक्टर हाइप विलियम्स द्वारा। 1999 में नास ने अपना थर्ड एल्बम निकाला जो था आई एम, और ये एल्बम भी काफी सही इम्पैक्ट बनाया और काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि डीएमएक्स, अलीशा कीज, पीडीडी वगैरह भी फीचरिंग में थे इसमें। इस एल्बम में एक गाना था हेट मी नाउ जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल चर्चे में था, क्योंकि इसके वीडियो में नास जीसस बने थे। इस कारण पीडीडी और नास के मैनेजर के बीच में काफी झड़प हुई थी, बट ये सब कंट्रोवर्सी नास के लिए और कामयाबी लेके आई और नास ने अपना अगला एल्बम लॉन्च किया जो था नास्ट्रोडमस, और अनफॉर्चुनेटली वो पहले जैसा बिजनेस नहीं कर पाए। जैसे मैंने बताया था कि बिगी के डेथ के बाद ईस्ट कोस्ट के किंग की ताज के लिए दो बेहतरीन दावेदार थे नास और जेजी, और इनकी बीफ चालू हो गई। जेजी ने एक डिस्ट्रैक्ट निकाला टेक ओवर जिसमें उन्होंने नास को फेक और उनके करियर को बहुत लेम बोला था, और उसके बाद नास ने ईथर सॉन्ग से रिप्लाई दिया था जेजी को जो कि काफी इंपैक्टफुल रहा और बहुत ही ब्रूटल डिस था, और ये ड्रामा काफी टाइम तक चला और इवन आज भी डिबेट होती कि कौन जीता उस लड़ाई में। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कौन जीता, खैर हमें ऑलरेडी विनर मालूम है। नास ऐसे ही आगे बढ़े एंड और भी एल्बम्स निकाले उनने जैसे कि गॉड सन और स्ट्रीट डिसाइपल। 2005 में जेजी ने अपना कॉन्सर्ट आई डिक्लेयर वॉर अनाउंस किया और सरप्राइजिंगली नास ने उन्हें ज्वाइन किया स्टेज में, यानी दोनों के बीच बीफ खत्म हो गई थी और दोनों ने साथ में जेजी का जो गाना है डेड प्रेसिडेंट वो भी परफॉर्म किया था, और ये हिप हॉप में एक हिस्टोरिक मूवमेंट बन गया था। फिर जेजी जो कि उस टाइम डेफ जैम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नास को डेफ जैम लेबल में साइन किया वो भी $3 million में, और फिर आगे नास ने ऐसे ही अपनी लेगेसी बनाए रखी और काफी एल्बम्स वगैरह निकाले। उनका लास्ट एल्बम आया था 2020 में जो था किंग्स डिजीज। यही नहीं, नास ने खुद का रिकॉर्ड लेबल भी स्टार्ट किया 2014 में जो है मैस अपील, और काफी सही बिजनेस कर रहे हैं इवन इन इंडिया, और काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे इक्का, डिवाइन, राजा कुमारी साइंड है इनके लेबल से। एंड वी शुड बी प्राउड कि अपने इंडियन आर्टिस्ट नास जैसे लेजेंड के साथ मिलकर हिप हॉप में आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन हिप हॉप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो इसी के साथ नास की बायोग्राफी यही खत्म होती है, एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नास का कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। सो भाई लोग जल्दी से मैं आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप की अपडेट्स दे देता हूं। लिल पंप ने रिसेंटली एक फोटो शेयर किया है जिसमें उनके सर पर एक डायमंड है और लिल उजी वर्ड को उन्हें मेंशन किया है और $28 million क्लेम किया है उस डायमंड का प्राइस। और लिल मोसी बहुत बड़े ट्रबल में फंसे हैं क्योंकि उन पे रेप के चार्जेस लगे हैं, और डबेबी का जो रॉकस्टार गाना है वो 5 times प्लैटिनम हो गया है अब। तो गाइस अब बारी है शाउट आउट की, तो आज एक एक्सक्लूसिव शाउट आउट है बहुत ही सिक आर्टिस्ट एनएम को। इनका नया गाना आई फॉर एन आई आ चुका है और चेक मारना, और मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि जो भी भाई लोग हमारे जो शेयर किए हुए आर्टिस्ट को जाकर सपोर्ट करते हैं, और मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूं सेक्टर एक्स तो काफी अच्छा लगता है। तो एनएम भाई को भी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देना, और तो उनका जो गाना है आई फॉर एन आई नेक्स्ट लेवल लिखा है भाई ने लिरिक्स, ऐसे जाकर भाई को सपोर्ट और मोटिवेट करना ताकि भाई ऐसे और भी गाने लाए। सो गाइस अगर हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, और एनएम भाई का गाना लूप पे सुनना। बाय बाय, टेक केयर। It's a nah, foreigner, what? I'm a killer in disguise, yeah. Your demise will be televised, trying to make it right, yeah. Ah, foreigner, I'm a killer in disguise, your demise will be televised, trying to make it right, yeah. It's a nah, foreigner, I'm a killer in disguise.